कृष्णा राधे राधे। जन्माष्टमी के लिए हम राधा रानी की ड्रेस बनाएंगे, जो कि 12 इंच की राधा रानी के लिए बनाएंगे, जिसमें कपड़े को डबल फोल्ड करके रखेंगे, तो जिसकी चौड़ाई 20 इंच और लंबाई 11 इंच रखेंगे। अस्तर भी डबल करके रखेंगे, जिसकी चौड़ाई 20 इंच और लंबाई 11 इंच की होगी। फिर इसको सीधा करेंगे, सीधा करने के बाद अस्तर को भी इस तरीके से सीधा कर लेंगे और इस तरीके से मेन फैब्रिक पर अस्तर रखकर और उसकी यहाँ से एक सिलाई लगा देंगे। तो ये सिलाई लग चुकी है, सिलाई लगने के बाद इसको हम पलट लेंगे। पलटने के बाद हम इस पर भी इस तरीके से एक सिलाई लगा देंगे। इसके बाद इस लेस को हम एक बार रखेंगे और दूसरी लेस को इस पर 2 इंच दूरी पर रखेंगे और इस तरीके से इसकी सिलाई कर देंगे। तो ये लेस लग चुकी है। उसके बाद अब हम प्लेट्स डालेंगे, तो इस तरीके से प्लेट्स की सिलाई करेंगे। तो ये घेर की प्लेट्स डल चुकी है। अब हम नेफा पट्टी के लिए इस तरीके का 2 इंच फोल्ड डबल फोल्ड कपड़ा लेंगे और ये नेफा इस तरीके से लग जाएगा। तो ये हमारा राधा रानी का लहंगा तैयार। इसके बाद हम ब्लाउज़ के लिए कपड़े को 4 फोल्ड करके रखेंगे। एक इंच गले की चौड़ाई का निशान लगाएंगे और 1.5 इंच गले की लंबाई का निशान लगाएंगे। इसके बाद इसको यहाँ से मिला देंगे। शोल्डर के लिए 2.5 इंच का निशान लगाएंगे, चौड़ाई और लंबाई 2 इंच का निशान लगाएंगे आर्म होल की लंबाई का, और इस तरीके से इसको यहाँ से मिला देंगे। और टोटल लंबाई हमारी 4 इंच रहेगी। इस तरीके से इसको यहाँ से मिला देंगे और गोलाई का निशान लगा देंगे गले पर आर्म होल पर। और अब इसकी कटिंग कर देंगे। ये हमने पहले चोली अस्तर के कपड़े पर कटिंग करी है। इसके बाद मेन फैब्रिक लेंगे और उस पर अस्तर रखकर इस तरीके से एक बार इसकी राउंड चारों तरफ से सिलाई लगा देंगे, नीचे से छोड़ देंगे। अब कपड़े की एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद हम इस कपड़े को पलट कर सीधा करेंगे, छोटे छोटे कट लगा देंगे और जिससे गले की गोलाई में सफाई आ सके। अब हम इनको पलट देंगे। पलटने के बाद दोनों शोल्डर जोड़ दिए। शोल्डर जोड़ने के बाद दोनों की साइड से सिलाई कर देंगे इस तरीके से। पहले इसमें हम टक्स देंगे सामने से और पीछे से, ये दोनों साइड से हमने दोनों टक्स दे दिए हैं। अब हम इनकी साइड से सिलाई कर देंगे। सिलाई करने के बाद सीधा करेंगे और बराबर करने के बाद इसको यहाँ से सेंटर से इसमें कट का निशान लगा देंगे। अगर आपको ये ड्रेस पसंद आए तो हमारी चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और इस तरीके से हम इसको एक बार दोनों को एक फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे और इस तरीके से वेलक्रो लेंगे और वेलक्रो की पट्टी को, एक पट्टी को हम ऊपर रखेंगे और एक पट्टी को हम अंदर साइड रखेंगे। ये वेलक्रो लगकर तैयार है और ये हमारी चोली भी सिला चुकी है। ये नीचे लगी है और ये ऊपर पट्टी लगी है और ये इस तरीके से हम इसको चिपका देंगे। तो ये राधा रानी की 12 इंच की अष्ट धातु की राधा रानी की चोली तैयार है और लहंगा। तो
तो अगर आपको पसंद आई हो तो हमारी चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए राधा रानी को पहनाने पर कितनी सुंदर लग रही है ड्रेस, राधे राधे।